हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कट चॉप एंड कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं ये मजेदार हॉट चॉकलेट, वो भी घर पे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए इससे हम बनाते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैंने 2 कप दूध ले लिया है। अब मैं उसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर। अब मैंने अलग से 2 टीस्पून जो है वो कोको पाउडर लिया है, और थोड़ा सा पिंच ऑफ कॉफी लिया है, ये भी मैं मिल्क में ऐड कर दूंगी। मिल्क जो मैंने लिया है वो रूम टेम्परेचर का लिया है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे विद अ हैंड मिक्सर। देखिए, 2-3 मिनट इसे अच्छे से मिलाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब हम इसे गैस पे रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, और 2 मिनट के लिए हम इसे उबलने देंगे। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तब तक आपको चॉकलेट्स लेनी है। डार्क चॉकलेट प्रेफर्ड होती है, बट अगर आप नॉर्मल मिल्क चॉकलेट्स भी यूज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बट आप मेक श्योर करें कि आप उसे इस तरह से कट कर लें, ताकि जब हम उसे मेल्ट करें तो वो प्रॉपरली और इवनली मेल्ट हो जाए। देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून जो है लगभग वो मिल्क ले लिया है, वही रूम टेम्परेचर वाला। और अब मैं इसमें लगभग 2 टीस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अब हम कॉर्नफ्लोर वाला जो मिल्क हमने रेडी किया है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे। इसे लगातार हम चलाते जाएंगे, और एक बॉईल आने के बाद हम इसे फ्लेम से हटा देंगे। देखिए, बॉईल आ गया है, अब हम इसे फ्लेम बंद करके फ्लेम से हटा देंगे। अब जो चॉकलेट हमने रखी है हम उसे इसमें ऐड कर देंगे। ये लगभग मैंने 1/2 कप रखी थी, इसे ऐड करके हम लगातार चलाते हुए अब इसे इसमें मिक्स कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें, अगर आप वैसे ही अपनी हॉट चॉकलेट को एंजॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ली है, और अब मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर के मदद से व्हिप करूंगी। देखिए, इसे ऐसे सेमी सॉफ्ट आप जो है एक बार ऐसा इसे बना लीजिए। तो देखिए, अब हम अपनी गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट ग्लासेस में पोर करेंगे। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आप रखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और अब जो हमने व्हिपिंग क्रीम रेडी करके रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद मैं अब इसे थोड़ी सी चॉकलेट जो मैंने ग्रेट करके रखी थी उससे मैं इसे गार्निश करूंगी। तो ये देखिए, गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने मेहमानों को बना के पिलाइए, वो आपकी तारीफ जरूर करेंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।